हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और नए अकाउंट्स की। कुछ कुछ प्रॉब्लम में आपको प्रोसेस अकाउंट के अलावा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाए और आपको नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए या फिर एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए, फिर हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, चलिए आज हम लोग वो सीखते हैं। इसके लिए मैं जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर वन जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, इसी प्रॉब्लम का रेफरेंस मैं लूंगा और इसी के हेल्प से मैं आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए बताऊंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी कर लिया था, प्रॉब्लम नंबर वन। इसमें हमने प्रोसेस वन और प्रोसेस टू, ये दो अकाउंट हमने ऑलरेडी बना लिए थे। इसी प्रॉब्लम का अब हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस लेकर तीन और अकाउंट बनाएंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा इस प्रॉब्लम को, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूं। ये प्रॉब्लम, लेंडवाल लिमिटेड प्रोसेसेस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थ्रू प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू। फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोसेस वन इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेस टू। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू की इनपुट दे दी गई है यूनिट्स में, मटेरियल ओवरहेड अमाउंट में बता दिया गया है दोनों प्रोसेस का, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दे दी गई है, ये इनपुट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं ये परसेंटेज, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट बता दिया गया है नॉर्मल लॉस का और लेबर की अमाउंट दे दी गई है दोनों प्रोसेस की। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। फाइनल आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस टू वॉज 12,500 यूनिट। तो फाइनल आउटपुट कितना है, 12,500 फ्रॉम प्रोसेस टू। इस प्रॉब्लम का हमने ये प्रोसेस वन अकाउंट बनाया था पिछले क्लास में और ये प्रोसेस टू अकाउंट बनाया था, ये आपके कॉपी में आपने जरूर नोट डाउन किया होगा। इसी प्रॉब्लम का अब हम लोग बनाते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो मेरे साथ साथ अब आप लोग नोट डाउन कीजिए, कॉपी में लिखिए। नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्वांटिटी यूनिट्स में लिखेंगे, रेट और अमाउंट हम लोग रुपीस में लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो भी नॉर्मल लॉस हुई है दोनों प्रोसेस में, इसकी क्रॉस एंट्री हम लोग सबसे पहले पास करेंगे, यानी कि जो रिवर्स एंट्री है। जैसे आप देख सकते हो प्रोसेस नंबर वन में हमने क्रेडिट साइड में लिखा था बाय नॉर्मल लॉस, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन, राइट। तो जिस तरीके से हमने प्रोसेस वन के क्रेडिट में लिखा बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, इसी तरीके से इसकी रिवर्स एंट्री अगर हम लोग करें नॉर्मल लॉस अकाउंट में, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस वन अकाउंट, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रोसेस वन में नॉर्मल लॉस कितने का था, 1500 यूनिट, रेट था स्क्रैप वैल्यू का 2 रुपीस करके और अमाउंट था 3000। तो सेम हम लोग यहां लिख लेंगे 1500, रेट में 2, अमाउंट में 3000। तो प्रोसेस वन में जो नॉर्मल लॉस हुआ था उसका रिवर्सल, यानी कि क्रॉस एंट्री हमने यहां पर कर लिया, रिवर्स एंट्री हमने कर लिया। सेम इसी तरीके से प्रोसेस टू में भी देखेंगे हम लोग। प्रोसेस टू के क्रेडिट साइड में आप देखिए बाय नॉर्मल लॉस लिखा गया था कितना, 650, स्क्रैप वैल्यू का रेट था 3 रुपीज और टोटल अमाउंट 1950। सेम हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसका भी क्रॉस एंट्री यहां पर लिख लेंगे डेबिट में, टू
प्रोसेस टू 9:50 एक मिनट सॉरी सॉरी 6:53 ये 6:50 रेट 3 अमाउंट 1950 ठीक है। चलिए तो हमने नॉर्मल लॉस में क्या किया, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू से जो भी नॉर्मल लॉस हुआ था सबसे पहले उसे ट्रांसफर कर लिया। प्रोसेस वन में 1500 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ था, प्रोसेस टू में 650 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ था, इन दोनों को हमने ट्रांसफर कर लिया अपने नॉर्मल लॉस अकाउंट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्क्रैप सेल करेंगे। जो भी यूनिट लॉस हो जाती है, जिसका भी लॉस हो जाता है, चाहे नॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल लॉस, हम लोग क्या करते हैं उसकी स्क्रैप सेल करते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाई स्क्रैप सेल, स्क्रैप सेल ठीक है। तो बाई स्क्रैप सेल लिखेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस से कितने यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है, फर्स्ट प्रोसेस से 1500 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है। तो 1500 यूनिट को अगर हम लोग स्क्रैप में सेल करेंगे 2 रुपीज करके, तो हमें कितने मिलेंगे, 3000 रुपीज मिलेंगे ठीक है। तो जिस रेट से हमें स्क्रैप करना था, जो प्रोसेस वन में हमने लिखा था, बिल्कुल उसी रेट से हम लोग स्क्रैप सेल कर देंगे। 1500 यूनिट्स को 2 रुपीज से हमने स्क्रैप कर दिया, हमारा अमाउंट आ गया 3000 का। बिल्कुल इसी तरीके से बताइए, प्रोसेस टू में हमारा कितने का नॉर्मल लॉस हुआ था, प्रोसेस टू में हमारा कितने का नॉर्मल लॉस हुआ था, 650 यूनिट का 3 रुपीज करके, राइट रॉन्ग। प्रोसेस टू में 650 का नॉर्मल लॉस नहीं हुआ था, प्रोसेस टू में हमने एस्टिमेट किया था 650 का नॉर्मल लॉस होगा। पर आप ध्यान से देखिए, प्रोसेस टू में हमारा एबनॉर्मल गेन आया था 150 यूनिट का, आपको दिख रहा है। प्रोसेस टू में हमारा एबनॉर्मल गेन आया था 150 यूनिट का। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कशन में बताया था कि एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है डिक्रीज इन नॉर्मल लॉस। तो आपने जो एस्टिमेट किया था नॉर्मल लॉस, उससे कम नॉर्मल लॉस हुआ, इसे ही हम लोग एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। तो एबनॉर्मल गेन जिस भी प्रोसेस में होता है ना, इसका मतलब होता है उस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कम हुआ है। एबनॉर्मल गेन एक्चुअली में क्या है, इट इज अ डिक्रीज इन नॉर्मल लॉस। ऑलवेज रिमेंबर, एबनॉर्मल गेन रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन नॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल गेन एक्चुअली में कोई गेन अलग से नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है आपका जो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस था उससे कम लॉस हुआ है। सो एबनॉर्मल गेन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन नॉर्मल लॉस। समझ में आया आपको? तो आप देखिए, प्रोसेस टू में आपने नॉर्मल लॉस कितना एस्टिमेट किया था, 650 यूनिट आपने एस्टिमेट किया था, 650 यूनिट का नॉर्मल लॉस होगा, जबकि 150 का तो एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन हो गया मतलब नॉर्मल लॉस में कमी आई है 150 यूनिट की। एबनॉर्मल गेन का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इट इज अ डिक्रीज इन नॉर्मल लॉस, यानी कि एक्चुअल नॉर्मल लॉस जो है वो 650 का नहीं हुआ है। आपने एस्टिमेट किया था 650 यूनिट का नॉर्मल लॉस, पर एक्चुअल नॉर्मल लॉस 650 यूनिट का नहीं हुआ है, उसमें से 150 का डिक्रीज हुआ है, यानी कि एबनॉर्मल गेन। तो एक्चुअल नॉर्मल लॉस कितने का हुआ, 500 यूनिट का। आपको समझ में आ रहा है, एक्चुअल नॉर्मल लॉस कितने का हुआ, 500 यूनिट का। आप बोलोगे सर फिर यहां पर 650 क्यों लिखे, ये तो एस्टिमेटेड है। आप देखिए, हमने प्रोसेस टू में जो लिखा था बाई नॉर्मल लॉस, दिस इज एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस। हमने कैसे कैलकुलेट किया ये 650 का जो यूनिट है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, देखो 13000 × 5% कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 13000 × 5% 13000 क्या है, 13000 हमारा प्रोसेस टू का इनपुट है। प्रोसेस टू में हमने इनपुट कितना दिया था, 13000 यूनिट्स, और उसका 5%। आप प्रॉब्लम में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम में देखो नॉर्मल लॉस के बगल में लिखा है ब्रैकेट में एस्टिमेटेड, यानी कि नॉर्मल लॉस जो है एस्टिमेटेड है प्रोसेस वन की 10%, प्रोसेस टू की 5%। तो ये 5% और 10% ये जो है ना, ये एस्टिमेटेड फिगर है, ये एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस है। इसका मतलब हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि प्रोसेस वन में जो भी इनपुट डालेंगे उसका 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा, और इसी तरीके से हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि प्रोसेस टू में जो भी इनपुट डालेंगे उसका 5% नॉर्मल लॉस हो जाएगा। ये एस्टिमेटेड है, पर एक्चुअल लॉस जो है वो एस्टिमेटेड से ज्यादा भी हो सकता है और एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड से कम भी हो सकता है। अगर हमारे एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस होता है तो इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, और हमारे एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से अगर कम लॉस होता है तो इसे एबनॉर्मल गेन बोला जाता है। प्रोसेस वन में आप देखिए एबनॉर्मल लॉस हो रहा था, इसका मतलब हमने जितना एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो इसलिए प्रोसेस वन में एबनॉर्मल लॉस आ रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस टू में आप देखिए एबनॉर्मल गेन आ रहा है,
इसका मतलब हमने जितना एस्टिमेट किया था उससे कम नॉर्मल लॉस हुआ है, इसलिए हमारा आ रहा है एबनॉर्मल गेन। तो अगर हमारा एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस था 650 यूनिट का और हमारा एबनॉर्मल गेन है 150 यूनिट का, आप मुझे बताइए एक्चुअल नॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हुआ है, आप मुझे बताइए एक्चुअल नॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हुआ है। अगर हमारा एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस था 650 यूनिट का जो हमने एस्टिमेट किया था, लेकिन फिर प्रोडक्शन होने के बाद हमारा एबनॉर्मल गेन आता है 150 यूनिट का, विच रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन नॉर्मल लॉस, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा एक्चुअल नॉर्मल लॉस कितने का हुआ है। यस, आप सभी लोगों ने सही समझा, हमारा एक्चुअल नॉर्मल लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट का, यानी 650 यूनिट माइनस 150। तो हमारा जो नॉर्मल लॉस है ना, प्रोसेस वन का तो 1500 का हुआ, लेकिन प्रोसेस टू का हमारा कितना हुआ, सिर्फ 500। तो हम लोग यहां पर जब स्क्रैप सेल करेंगे ना, स्क्रैप सेल करेंगे प्रोसेस टू का, तो उसमें हम लोग कितना लिखेंगे, 650 नहीं लिखेंगे, 500 यूनिट लिखेंगे, 3 के रेट से कितना हो जाएगा 1500। आप देखो यहां पर प्रोसेस वन में हमारा 1500 का एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस था, जबकि एक्चुअल लॉस उससे ज्यादा हो गया एबनॉर्मल लॉस। जब एक्चुअल लॉस हमारा एस्टिमेटेड से ज्यादा होगा तब तो कोई टेंशन नहीं है, जितना भी नॉर्मल लॉस है पूरे को स्क्रैप वैल्यू पे सेल कर देंगे। तो हमारा एस्टिमेटेड प्रोसेस वन का मैं बता रहा हूं, हमारा एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस था 1500 यूनिट और हमने पूरे 1500 यूनिट को हमने 2 रुपए के स्क्रैप रेट में हमने सेल कर दिया, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रोसेस टू में हमारा एस्टिमेटेड जो नॉर्मल लॉस था वो था 650 यूनिट, लेकिन हमने उसे पूरा क्यों नहीं सेल किया, क्योंकि एक्चुअल जो हमारा लॉस हुआ है वो 650 का हुआ ही नहीं है, इसमें से तो 150 हमारा गेन हो गया। इसका मतलब फाइनल नॉर्मल लॉस जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कितने का हुआ, फाइनल एक्चुअल नॉर्मल लॉस सिर्फ 500 यूनिट का हुआ। तो जब आपका एक्चुअल नॉर्मल लॉस सिर्फ 500 यूनिट का हुआ है तो स्क्रैप भी तो आप 500 का ही करोगे ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग प्रोसेस टू से ट्रांसफर तो किए 650, लेकिन बाकी जो है 500 है वो कहाँ चला गया, 500 जो है वो हमारा स्क्रैप सेल में चला गया। आप बोलोगे सर बाकी का जो 150 है वो कहाँ जाएगा, बाकी का 150 कहाँ जाएगा, इसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। तो देखो 150 का जो है ना 3 रुपीज करके 450 ये एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। एक्चुअली समझना क्या है, ध्यान से देखना, ये जो प्रोसेस वन का है, प्रोसेस वन का 1500 का जो ये अमाउंट ट्रांसफर होके आया था, ये तो पूरा का पूरा स्क्रैप में सेल हो जा रहा है। प्रोसेस वन का जो भी नॉर्मल लॉस था एस्टिमेटेड, ये पूरा का पूरा स्क्रैप में सेल हो जा रहा है, क्योंकि हमने जो एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा ही एक्चुअल लॉस हुआ है, तो यहां पर पूरा का पूरा रिकवरी हो जा रहा है। लेकिन प्रोसेस टू के केस में क्या हो रहा है, प्रोसेस टू में हमने एस्टिमेट तो किया था 650, लेकिन एक्चुअल लॉस तो सिर्फ हो रहा है कितना, 500, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि 150 का हमारा कम नॉर्मल लॉस हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो इसलिए 650 का हम लोग बाइफरकेशन कर देंगे, 650 यूनिट में से 500 जो है उसका स्क्रैप सेल हो जाएगा, जो कि एक्चुअल नॉर्मल लॉस है, और 150 यूनिट को हम लोग एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट कर लेंगे। आपको समझ में आया, इसको चाहो तो आप बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, या तो ब्रैकेट में आप दिखा दो 650 माइनस 150 तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट होता है कंप्लीट। तो यूनिट में आ गया 2150 यूनिट और अमाउंट में कितना आ रहा है 4950। ठीक है, सो दिस इज योर नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट आपको समझ में आया, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भी प्रोसेसेस है सबसे पहले उन सारे प्रोसेसेस से नॉर्मल लॉस में जो भी एस्टिमेटेड यूनिट हमने कैलकुलेट किया था उनको हम लोग प्रोसेस अकाउंट से पहले यहां पर ट्रांसफर करेंगे क्रॉस एंट्री पास करके, ठीक है। इसके बाद जिस भी प्रोसेस में नॉर्मल लॉस या उससे ज्यादा लॉस हुआ है उसको हम लोग स्क्रैप सेल कर देंगे। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारा एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से कम लॉस हुआ है, यानी कि एबनॉर्मल गेन आया है, तो फिर जितने यूनिट का एक्चुअल लॉस हुआ है सिर्फ उतने का ही स्क्रैप सेल होगा, बाकी का जो रिमेनिंग यूनिट्स है उसको एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, तो ये बन गया हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब हम लोग इसी फॉर्मेट में बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। तो चलिए अब मैं लिख रहा हूं यहां पर
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सेम फॉर्मेट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट तो अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल जिस तरीके से हमने नॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट से यहां ट्रांसफर किया था क्रॉस एंट्री के द्वारा, उसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस में भी सेम काम करेंगे। आप देखो दो प्रोसेस है जिसमें से एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस वन में हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान देना है एबनॉर्मल लॉस कौन से प्रोसेस में हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है प्रोसेस वन में। प्रोसेस वन के क्रेडिट साइड में आप देखो बाई एबनॉर्मल लॉस हमने लिखा था, इसकी भी क्रॉस एंट्री हम लोग पास करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, और हम लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे टू प्रोसेस वन 500 फोर के रेट से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू प्रोसेस वन अकाउंट 500 यूनिट फोर के रेट से, और यहां अमाउंट हो गया 2000, ठीक है, चेक कर लेते एक बार 500 for 2000। तो जिस तरीके से प्रोसेस वन से हमने नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हमने एबनॉर्मल लॉस को भी ट्रांसफर कर लिया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, क्रॉस एंट्री के द्वारा। क्रॉस एंट्री जो जर्नल एंट्री होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जर्नल एंट्री की जो रिवर्स एंट्री है वो हमने यहां पर कर दी, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी भी स्क्रैप सेल करेंगे बाई स्क्रैप सेल। एबनॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप सेल होती है ना, ये उसी रेट से होती है जिस रेट में नॉर्मल लॉस को हमने स्क्रैप किया था। याद रखना स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों का सेम ही होता है। जिस रेट से नॉर्मल लॉस को हम लोग स्क्रैप करते हैं बिल्कुल उसी रेट से हम लोग क्या करते हैं एबनॉर्मल लॉस को भी स्क्रैप करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारी प्रोसेस वन में जो एबनॉर्मल लॉस हो गई थी 500 यूनिट की, इस 500 यूनिट को हम लोग किस रेट से स्क्रैप करेंगे बोलो, जिस रेट से हमने प्रोसेस वन के नॉर्मल लॉस को स्क्रैप किया था। बताओ प्रोसेस वन का नॉर्मल लॉस हमने किस रेट से स्क्रैप किया था, ध्यान से देखो प्रोसेस वन के नॉर्मल लॉस को हमने 2 रुपए के रेट से स्क्रैप किया था, तो इस 500 यूनिट को भी हम लोग 2 रुपीज के रेट से क्या करेंगे स्क्रैप करेंगे, और हमें मिल जाएगा कितना 1000 रुपीज। तो अब देखो बैलेंसिंग फिगर से हमारा जो अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है बोलो 1000 का, इसको हम लोग कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। आप लोग बोलोगे सर कॉस्टिंग पीएल क्या होता है, कॉस्टिंग पीएल क्या होता है, कॉस्टिंग पीएल जैसे हम लोग अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं और इसमें से कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसके कैलकुलेशन के लिए एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जो कि कॉस्टिंग के बेसिस पे बनता है, कॉस्ट फिगर के बेसिस पे बनता है। इसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ये बेसिकली कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये पार्ट होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसे हम लोग कॉस्टिंग पीएल बोलते हैं। और जो फाइनल अकाउंट वगैरह हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट था, वो हम लोग अकाउंट्स में करते हैं और ये हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का पार्ट है। आप बोलोगे सर क्या अंतर है, क्या अंतर है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है तो अकाउंट्स में जो पीएल बनाते हैं और ये कॉस्टिंग पीएल जो है इसमें क्या है, दोनों में तो प्रॉफिट ही कैलकुलेट हो रहा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पीएल व्हाट वी मेक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड दिस कॉस्टिंग पीएल जो कि हम लोग कॉस्ट में बनाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीएल। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉस्टिंग के जो भी टॉपिक्स होते हैं कॉस्टिंग पीएल में जितने भी फिगर्स होते हैं ये सारे एस्टिमेटेड फिगर होते हैं। कॉस्ट में हम लोग जो भी एक्सपेंसेस हम लोग प्लान करते हैं, जो भी रेवेन्यू हम लोग प्लान करते हैं, ये सारे के सारे एस्टिमेटेड फिगर होते हैं। कॉस्टिंग पीएल से जो हमारी प्रॉफिट आती है वो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आती है, यानी कि कॉस्टिंग का जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है बेसिकली कॉस्टिंग में जो कुछ भी हम लोग करते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें एस्टिमेटेड बेसिस पे की जाती है
और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सभी को पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम लोग हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर काम करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाती है वो हिस्टोरिकल डेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे की जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आपने यही सीखा कि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन होने के बाद हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रांजैक्शन होने के बाद बिजनेस में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे किया जाता है, जबकि कॉस्ट में हम लोग एस्टिमेटेड डेटा का यूज करते हैं। आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में आपने कॉस्ट शीट जरूर पढ़ा होगा। कॉस्ट शीट में आप लोगों को याद है आपने पूरा कॉस्ट शीट का पूरा एक फॉर्मेट बनाते थे जिसमें प्राइम कॉस्ट, फिर इसके बाद वर्क कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस तरीके से फिर टोटल कॉस्ट निकालते थे और उसमें प्रॉफिट निकलता था। आपको पता है ये जो पूरा का पूरा कॉस्ट शीट हम लोग बनाते थे, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो होती है ये सारी एस्टिमेटेड फिगर होती है। कॉस्ट शीट आप सभी लोगों ने बनाया होगा पर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉस्ट शीट में जो भी फिगर्स हम लोग लिखते हैं वो सारे एस्टिमेटेड फिगर होते हैं, एक्चुअल फिगर नहीं होते। इसलिए जो कॉस्टिंग की हमारी प्रॉफिट आती है ना वो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट से अलग होती है। हम लोग जब कॉस्टिंग पीएल बनाते हैं हमारा जो प्रॉफिट आता है कॉस्टिंग पीएल से वो अलग होता है, और जब फाइनल अकाउंट बना के नॉर्मल पीएल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पीएल अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट होता है वो अलग होता है। और ये दोनों अलग फिगर क्यों होते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग से जो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि पूरे कॉस्टिंग में हम लोग एस्टिमेटेड फिगर पे काम करते हैं, है ना। कॉस्टिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो मोस्टली सब में क्या है, एस्टिमेटेड डेटा का यूज होता है। जैसे कि कोई भी फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन किया जाता है प्रोडक्शन से पहले हम लोग एस्टिमेट करते हैं हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होगा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसिव डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, डायरेक्ट लेबर क्या होगा, प्राइम कॉस्ट कितना होगा, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना लगेगा, हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना होगा, ये सारा हम लोग कब करते हैं, प्रोडक्शन करने के पहले हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। तो जो कॉस्ट शीट में हम लोग जितने भी कॉस्ट लिखते हैं ना वो सारा का सारा एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। प्रोडक्शन कैरी आउट करने के पहले, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले वी ऑलवेज मेक अ बजट, वी ऑलवेज मेक एस्टिमेशन। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपकी फैक्ट्री आप कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन करने के पहले आप तो पहले से कुछ एस्टिमेशन बनाओगे ना कि मेरे को कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, कितने ओवरहेड लगेंगे। तो ये सारे के सारे जो एस्टिमेटेड आपके कॉस्ट होते हैं उन सारे एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, जिसमें प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें निकालते हैं। और फाइनली जो हमारा कॉस्ट शीट में प्रॉफिट आता है वो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। जब एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जितना कॉस्ट हमने एस्टिमेट किया था बिल्कुल उतना ही कॉस्ट आपका एक्चुअली भी होगा। एक्चुअल कॉस्ट हमारा एस्टिमेटेड से डिफर करता है और इसलिए हम लोग इसे कॉस्टिंग में पढ़ते हैं एक अलग चैप्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरियंस। ठीक है, आपके सिलेबस में एक चैप्टर आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप जानोगे कि जो एस्टिमेटेड जो डेटा होते हैं और जो एक्चुअल फिगर होते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्यों अराइज होता है, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर आपके सिलेबस में एक डेडिकेटेड चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद ये रखना है कि हमारा जो भी कॉस्टिंग में कैलकुलेशंस करते हैं ये सारे एस्टिमेटेड फिगर पे करते हैं, जैसे कि कॉस्ट शीट में भी हमारा वही काम था, एक बजट कॉस्टिंग है, बजट में भी हम लोग वही करते हैं, बजटिंग करते हैं, और एक्चुअल जो होता है एक्चुअल फिगर अलग होता है। इसी तरीके से हमने जो इस चैप्टर में हमने जो नॉर्मल लॉस का जो रेट लिया था वो सब क्या था, वो सब एस्टिमेटेड फिगर था कि हमारा 10% का नॉर्मल लॉस होगा, 5% का नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल लॉस आपका एस्टिमेटेड से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आपके एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस हो जाता है तो ये एबनॉर्मल लॉस, एक्सेस अमाउंट जो है वो एबनॉर्मल लॉस है। अगर आपके एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से कम लॉस होता है तो जितने का कम हो रहा है वो एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ये चीज आपको ध्यान से समझना है। चलिए, तो प्रोसेस वन में हमारा जो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस था वो कितना था, 500 यूनिट का। इसको हम लोग स्क्रैप करेंगे किस रेट से, स्क्रैप करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस के रेट से। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रेट था 2 रुपीज करके, एबनॉर्मल लॉस को भी 2 रुपीज से हम लोग स्क्रैप कर देंगे। बाकी का जो भी अमाउंट है वो कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। ये क्या है, ये हमारा लॉस है, इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर सिर्फ अमाउंट के कॉलम में होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां हो गया 500, यहां हो गया 2000, यहां भी 500, यहां पर 2000,
तो बेसिकली हमने जो बैलेंसिंग फिगर करके निकाला वो अमाउंट, ये 2000 में से 1000 तो हमारा रिकवर हो गया, ध्यान से समझिए 2000 का हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ था, जिसमें से 1000 तो हमने रिकवर कर लिया स्क्रैप करके, बाकी का जो 1000 है वो रिकवर नहीं हो पाया, ये हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके से लॉस है, कॉस्टिंग पीएल में इस लॉस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे 2000 के एबनॉर्मल लॉस में से 1000 रुपीज की रिकवरी हो चुकी है, 1000 जो लॉस हो गया बैलेंस अमाउंट उसे कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस, बहुत ही सिंपल है, आपको प्रोसेस वन से ट्रांसफर करना है और नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू से सेल कर देना है, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा ये आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, इसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम लोग बनाएंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहने वाला है, एग्जाम में भी आपको फॉर्मेट एकदम प्रॉपर बनाना है, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा कॉस्टिंग या अकाउंटेंसी या टैक्सेशन किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिर्फ आंसर मैच कराना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो हमने बना लिया एबनॉर्मल गेन अकाउंट, सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है जिस प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन हुआ है, सबसे पहले उस प्रोसेस अकाउंट से हम लोग फिगर यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे क्रॉस एंट्री के हेल्प से। तो सबसे पहले देखते हैं एबनॉर्मल गेन हमारा कौन से प्रोसेस में हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ हमारा प्रोसेस टू में, प्रोसेस टू के डेबिट में हमने लिखा था टू एबनॉर्मल गेन, प्रोसेस टू के डेबिट में लिखा था टू एबनॉर्मल गेन, यानी जनरल एंट्री बनती है प्रोसेस टू अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन, और इसी तरीके से हम लोग एबनॉर्मल गेन में क्या लिखेंगे, बाई प्रोसेस टू अकाउंट रिवर्स एंट्री, जैसे हम लोग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से क्रॉस एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। चलो प्रोसेस टू में देखो एबनॉर्मल गेन कितना था, एबनॉर्मल गेन था 150, रेट था 6.5, अमाउंट था 975, 150, 6.5, 975, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से यहां पर क्या कर लिया, प्रोसेस टू से जो क्रॉस एंट्री थी वो यहां पर कर लिया हमने। इसके बाद आप नॉर्मल लॉस में आ जाओ, नॉर्मल लॉस में भी आप देखो बाई साइड में, क्रेडिट साइड में आपने लिखा था बाई एबनॉर्मल गेन, आपको दिख रहा है बाई साइड में आपने लिखा था बाई एबनॉर्मल गेन, इसकी भी क्रॉस एंट्री आप कर लो, जनरल एंट्री इसके क्या बन रही है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, हम लोग इसी तरीके से पुट करेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट के डेबिट में टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 150, रेट कितना था, आई थिंक 2 था, देख लेते हैं, नहीं 153 था, सॉरी ये 3 है और ये है 450, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हमने एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्या किया, प्रोसेस टू से हमने डेटा को ट्रांसफर कर लिया, फिर हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट से भी हमने डेटा को ट्रांसफर कर लिया, अब जो बैलेंसिंग फिगर है इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, कॉस्टिंग पीएल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, आपका 975 में से 450 गया, कितना बचेगा 525 एंड दैट्स इट, और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस टू में हमारा जो पर यूनिट का कॉस्ट था वो था 6.5 रुपीस करके, और
क्योंकि नॉर्मल लॉस में कमी आ गई 150 यूनिट की, इसके वजह से 6.5 रुपीस करके हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल लॉस में कमी आ गई। नॉर्मल लॉस में कमी आने की वजह से 6.5 रुपीस के रेट से 150 का हमारा क्या हो गया, गेन हो गया, जिसको एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ता है, स्क्रैप करना पड़ता है ना। तो हम लोग अगर ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो हम लोग इसे 3 रुपए करके स्क्रैप कर देते। नॉर्मल नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रेट क्या था प्रोसेस टू में, प्रोसेस टू में नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रेट था 3 रुपीज करके। तो अगर हमारा ये एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ होता तो 150 को हम लोग क्या करते, 3 रुपीज करके स्क्रैप कर देते नॉर्मल लॉस के रेट से। लेकिन क्योंकि हमारा नॉर्मल लॉस कम हुआ, एबनॉर्मल गेन हो गया, इसके वजह से हमारा फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 6.5 में से 3 माइनस कर दो, 3.5 का पर यूनिट का फायदा हो गया। समझ में आ रहा है, जो कि टोटल में आता है 525। तो जब बैलेंस करेंगे ना तो बैलेंस करने से हमारा 525 आ जाएगा। तो ये 525 का हमारा एक तरीके से क्या हो गया, फायदा हो गया। यानी जो हमारा नॉर्मल लॉस होता 450 का, वो नॉर्मल लॉस होता 450 का, अगर ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो हमारा 450 का नॉर्मल लॉस होता। लेकिन इसके नॉर्मल लॉस में कमी आने के वजह से हमारा 975 का एबनॉर्मल गेन हो गया। आप एक चीज समझो, हमारा नॉर्मल लॉस होने वाला था 450 का, ये हमने एस्टिमेट किया था। हमारा नॉर्मल लॉस होने वाला था 450 का, ये हमने एस्टिमेट किया था, लेकिन हमारा नॉर्मल लॉस तो कम हुआ, इसके वजह से हमारा 975 का फायदा हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। और इस इन दोनों को जब हम लोग नेट ऑफ करेंगे, जब आपस में एडजस्ट करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, तो फाइनल नेट फिगर जो मिलेगा वो है 525। यानी कि ये हमारा जो फाइनल गेन हुआ, फाइनल प्रॉफिट हुआ, वो कितना हो गया, 525। इस इनकम को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा क्या है, नेट इनकम है। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट तो बनाया ही बनाया, साथ ही साथ प्रॉब्लम नंबर 1 के रेफरेंस से ही मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना भी सिखाया, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना भी सिखाया, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना भी सिखाया। याद रखिए, प्रॉब्लम किसी भी तरीके के हो, एंट्री इसी तरीके से होते हैं। बाकी हम लोग अभी और भी कई तरह के वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और सभी हर एक प्रॉब्लम के बाद, हर एक न्यूमेरिकल के बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, आप हर एक चीजों को और बेटर समझने लगोगे, और अलग अलग वैरायटीज के बाद आपका कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आने लगेगा। बाय द टाइम इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे, आप आराम से एग्जाम लेवल के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर को मैं यहां पर एंड करता हूं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के छोटे से लेक्चर में हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना सीखा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू से हम लोग सेल करके रिकवर कर लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस को भी नॉर्मल लॉस के स्क्रैप रेट से रिकवर किया जाता है, और एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस से पहले एडजस्ट करते हैं, और जो नेट अमाउंट होता है बैलेंसिंग फिगर से उसे कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। आखिरी बात मैं आपको वापस से याद दिला दूं, कॉस्टिंग पीएल में जो हमारी प्रॉफिट आती है, ये बेसिकली एस्टिमेटेड प्रॉफिट होती है। हमारी जो नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पीएल होती है, ये हमारी एक्चुअल पीएल, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट होती है। हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं और वहां से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें नेट प्रॉफिट मिलती है ना, दैट इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और कॉस्टिंग में हम लोग जो भी डेटा यूज करते हैं, जो भी फिगर यूज करते हैं, वो सारे एस्टिमेटेड फिगर होते हैं। कॉस्ट शीट भी एस्टिमेटेड बनता है, प्रोसेस कॉस्टिंग ये सारे जो भी है, ये सारे एस्टिमेटेड फिगर है, ठीक है। इसलिए हमारा लॉस भी क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है। चलिए, तो इस तरीके से आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।